हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमोज बिलासपुर। काफ़ी समय बाद आज मैं आपके लिए नया घर का टूर लेके आया हूँ। आइए इसे अंदर से देखते हैं। ये 4 BHK का बंगलो है, 1750 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है और 3000 में कंस्ट्रक्शन है ऊपर नीचे मिला के। ये आपका सामने पार्किंग स्पेस हो गया। ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाएगा आपको, ग्रास की डिज़ाइन मिल जाएगी आपको बाहर में। यह आपका ओपन स्पेस हो गया, 17x8 का आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा। ये आपको ग्रेनाइट की खिड़की मिल जाएगी आपको यहाँ पे। चौखट जो है दरवाजे का चौखट भी आपको जितने भी घर में चौखट है वो आपको ग्रेनाइट के मिलेंगे। पार्किंग एरिया आपको 11x22 का मिल जाएगा। 3 फीट की आपको यहाँ पर गैलरी मिल जाएगी बगल से ओपन स्पेस वेंटिलेशन के लिए। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे घर के, बड़ा सा आपको हॉल मिल जाएगा। हॉल की साइज़ आपको 24x16 का रहेगा, डाइनिंग और हॉल दोनों मिला के। बड़ा सा आपको खिड़की मिल जाएगा यहाँ पे, ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए आप देख सकते हैं। हॉल से लगा हुआ ही आपको पहला मास्टर बेडरूम मिल जाएगा जो कि 11x15 का है। ऊपर फॉल सीलिंग का बहुत सुंदर डिज़ाइन आपको मिल जाएगा जो कि काम चल रहा है अभी। अटैच में आपको बेड बाथ मिल जाएगा 5x8 का। पूरे बाथरूम में किचन में आपको दीवार की फिटिंग मिलेगी। पूरे घर में 2x4 का टाइल्स रहेगा। घर कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं और आपको घर का टूर कराऊंगा। सामने आपको यहाँ पे वॉशरूम बेसिन मिल जाएगा, कॉमन यहाँ पे लेट बाथ मिल जाएगा आपको 5x7 का। लगा हुआ आपको किचन भी मिल जाएगा, एक ये दूसरा बेडरूम है। इसमें भी फॉल सीलिंग का काम चल ही रहा है। इस खिड़की में भी आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा। और से लगा हुआ किचन है, आइए किचन को देखते हैं। किचन आपको मॉडुलर किचन मिल जाएगा। किचन का साइज़ आपको 12x13 का मिलेगा। जो दूसरा बेडरूम देखे थे उसका साइज़ 12x13 का है। जैसे पहले बताया था फिटिंग आपको जगुआर की मिलेगी यहाँ पे भी। पीछे आपको वॉश एरिया मिल जाएगा 18.5x5 का। पीछे एक और ओपन स्पेस है, काम हम जैसे मेड वगैरह आया तो बाहर से आके बाहर से चले जाए वो आपका एंट्री गेट। तो यहाँ से पूरा ओपन है पीछे से अंदर तक जो किचन तक। आइए ऊपर चलते हैं। आपको ऐसे से सीढ़ी मिल जाएगी यहाँ पे, भी जो है ग्रेनाइट लगेगा तो सीढ़ी में जो है यार डिज़ाइन मिल जाए आपको बहुत बेहतरीन जो है। जैसे आप ऊपर आएंगे आपको एक लिविंग एरिया मिल जाएगा जिसमें देख रहे हैं फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। साइज आपको 15x16 का मिल जाएगा लिविंग एरिया का। ये तीसरा बेडरूम है, इसका साइज 11x15 का है। इसमें आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा प्लस बाथरूम मिल जाएगा। ड्रेसिंग एरिया 5x7 का है, बाथरूम भी आपको 5x8 का मिलेगा। सामने आपको छोटा सा बालकनी मिल जाएगा, बड़ा सा गार्डन देख रहे हैं यहाँ पे। सामने का बालकनी पूरा ओपन है, 11x15 का आपको बालकनी मिल जाएगा। या आपका दूसरा बेडरूम है 14x12 का। मास्टर बेडरूम और बालकनी दोनों अटैच है। तो दूसरा बेडरूम जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इसमें भी फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। 8x5 का आपको बाथरूम मिल जाएगा, इसमें अटैच लेट बाथ है दोनों में। ये आपको ओपन टेरेस मिल जाएगा 10x14 का। बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा घर जो है। आइए छत पर लेकर चलते हैं मैं आपको।
जगह पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बने हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं के गार्डन आपको अच्छे से दिखेगा। पीएमसी कॉलोनी है।